12.6 परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। परिनालिका विद्युत रोधी तांबे के तार की अधिक फेरों वाली बेलनाकार आकृति की कुंडली होती है। चित्र 9 परिनालिका को दर्शाता है जिसके दो सिरे कुंजी द्वारा बैटरी से जुड़े हैं। जब विद्युत धारा परिनालिका से प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चित्र 9 के चुंबकीय क्षेत्र आकृति की तुलना चित्र 4 अ से प्राप्त चुंबकीय आकृति से कीजिए। ये दोनों आकृति एक जैसी प्रतीत होती हैं। इस तरह धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान है। अतः धारावाही परिनालिका एक छड़ दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव N तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव S की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं के रूप में होती हैं जो यह बताता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। चित्र 10 अ। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चालक तार को मोड़ने से बनी वृत्ताकार आकृति को पाश या लूप कहते हैं। कुंडली का वह तल जहां धारा की दिशा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होती है दक्षिण ध्रुव S की तरह व्यवहार करता है। कुंडली का वह तल जहां धारा की दिशा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होती है उत्तर ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। बच्चों, हमने इस अध्याय में चुंबक, चुंबकीय बल क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अध्ययन किया है। हमने जो चुंबकीय क्षेत्र देखा वो चुंबक के द्वारा उत्पन्न हो रहा था। क्या विद्युत धारा का उपयोग करके भी हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं? चलिए आज हम यहाँ एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, इसके लिए मेरे पास देखिए एक तांबे की तार से लपेटा हुआ जो एक कुंडली बनी हुई है, इसे हम परिनालिका कहते हैं। और ये विद्युत तार जो है यहाँ पर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है क्योंकि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और इस कुंडली में हमें 12 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। परंतु बच्चों, जो हमारे घरों या शालाओं में जो स्विच बोर्ड होता है उसमें 220 से 240 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। बच्चों ध्यान रखें कि कभी भी आप डायरेक्ट स्विच बोर्ड से इस क्रियाकलाप को ना करें और कुंडली में 12 वोल्ट से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित ना करें। चलिए तो हम विद्युत धारा प्रवाहित करके देखते हैं। अब हमें यह देखना है कि क्या कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इसके लिए हम किसकी मदद लेंगे? चुंबकीय सुई की। तो चुंबकीय सुई को मैं सबसे पहले इस सिरे पर रख रही हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए, हमने यह जाना है कि चुंबकीय सुई की तीर का जो नोक वाला हिस्सा होता है वो उत्तरी ध्रुव को बताता है। तो यहाँ देखिए, ये नोक वाला हिस्सा इस सिरे को इंगित कर रहा है, यानी ये कौन सा ध्रुव हुआ? उत्तरी ध्रुव। अब इसे हम यहाँ पर रख के देखते हैं। ये देखिए, ये अपने आप जो ये तीर है वो अब इस तीर का पूंछ वाला हिस्सा जो है वो इस सिरे की तरफ इंगित हो रहा है, यानी कि ये कौन से ध्रुव की तरह कार्य कर रहा है? बिल्कुल सही, दक्षिणी ध्रुव की तरह। तो क्या हुआ, इस कुंडली के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और चुंबकीय बल रेखाएं निकलने लगी जिसके कारण इसके दोनों सिरे जो हैं वो एक उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य कर रहे हैं और एक दक्षिणी ध्रुव की तरह। चलिए अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इसके लिए देखिए, मेरे पास यहाँ कुछ ऑलपिन्स है ना, मैं इसमें से एक ऑलपिन ले रही हूँ और इसे इस तरह यहाँ कुंडली में रख रही हूँ। अब एक काम करते हैं, एक दूसरी ऑलपिन लेते हैं। ये सिंपल ऑलपिन्स है ना। अब देखिए, इसे जब मैं इसके पास ले जा रही हूँ, अरे वाह, देखिए ये तो चुंबक की तरह कार्य करने लगा और ये दूसरी आलपिन जो है वो पहली आलपिन में आकर्षित हो गई है और उसके साथ साथ खींची चली आ रही है हमारी पहली आलपिन। चलिए अब हम विद्युत धारा का प्रवाह बंद करके देखते हैं
कि क्या अब भी ये जो अल्पिन है जो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगी थी अब भी वैसा ही व्यवहार करती है। इसे वापस हम कुंडली में डाल देते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसे कुंडली में डाल दिया और अब इस दूसरी अल्पिन को बिल्कुल पहले की तरह इसके पास ले चलते हैं। ये तो कुछ नहीं हो रहा है, ये देखिए, इसके पहले हमने क्या देखा था कि ये जो है इसके ओर आकर्षित हो गई थी और इसको खींचने पर ये इसके साथ बाहर आ गई, लेकिन अब ये कुछ भी ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही है, यानी अब इसका चुंबकत्व जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। विद्युत धारा के प्रवाह करने पर ये जो हुआ, जो चुंबक की तरह व्यवहार कर रही थी, ये अब चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर रही है।